हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। नोटिस है आपके लिए, अगर आप जो है सीएसआई या लाइफ साइंस 2021 जून के लिए प्रिपेरेशन करना चाहते हैं तो अन एकेडमी लाया है नया बैच आपके लिए अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ। ज्योति कुमारी, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल, ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं अन एकेडमी पे, ये जो है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 जनवरी 2021 से। बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपको लगता है कि आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए जून 2021 का, आपका सपना है कि ये जो एग्ज़ाम है 2021 का अब निकल जाए आपका, तो आप अगर आप ढूंढ रहे हैं कहीं से पढ़ने के लिए, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी आपको दे रहा है। यहाँ पे जाइए और ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है ज्वाइन कीजिए। अगले ये मई तक ये आपके सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर लेगा, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और 2 दिन आपके पास बचे हैं 25 दिसंबर से जो अनअकैडमी है प्राइस हाई करने वाला है, उससे पहले ही आप जो है अगर आपको एनरोल करना है इसके लिए तो आप एनरोलमेंट ले लीजिए। ओके, और एनरोलमेंट अगर आप ले रहे हैं, चाहे इसमें चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिले, तो ये मेरे चैनल का रेफरल कोड है। जब आप वहाँ पे एनरोल करने जाइए या सब्सक्राइब करने जाइए प्लस या आइकॉनिक को, तो वहाँ पे आपसे रेफरल कोड मांगता है। वहाँ पे botany10 डालिए रेफरल कोड, जो कि मेरे चैनल का रेफरल कोड है, और वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा फाइनल प्राइस पे। आपको अगर ये सब्सक्राइब करना है तो मैं इसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, रेफरल कोड डालना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियोस में जो है मैंने आपको फाइटो हार्मोन्स से जो क्वेश्चन आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस, आप देखेंगे फाइटो हार्मोन्स भी आपके कई टाइप के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकॉनिन, एब्सेसिक एसिड, इथाइलिन। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे क्वेश्चन को उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया है, और जो भी क्वेश्चन आए थे उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो थे आपके वो हो चुके थे, आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका साइटोकाइनिन। सबसे पहले नोट्स पे हम बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइटोकाइनिन आपको पढ़ना होता है। ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये साइटोकाइनिन्स, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये या तो अमीनोप्यूरिन होते हैं या तो फेनिल यूरिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है इसके लिए कि ये जो है सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, इसीलिए इसका नाम साइटोकाइनिन रखा हुआ है। क्या करता है ये? साइटोकाइनेसिस कॉज करता है, आइदर अलोन और इन कंजंक्शन विद ऑक्सिन। या तो ये अकेले ही सेल डिवीज़न को जो है प्रमोट करता है, या तो ऑक्सिन के कम्बिनेशन में। फिर फर्स्ट साइंटिस्ट आपके आते हैं स्कूग और उनके को वर्कर्स, जिन्होंने सबसे पहले जो है टोबैको का जो कैलस था इंटर नोडल सेगमेंट से लिया, और उन्होंने ऑक्सिन के साथ जो है वहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया कराया, जैसे ईस्ट का एक्सट्रैक्ट हो गया, वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट हो गया, कोकोनट मिल्क या डीएनए का एक्सट्रैक्ट वगैरह हो गया। वहाँ पे ये उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम की तरीके से यूज़ किया इन एडिशन टू ऑक्सिन, और वहाँ पे उन्होंने पॉलीफरेशन देखा। दे वर एनालाइज्ड टू फाइंड आउट द ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल। इसके बाद इन्होंने ये चेक किया कि ये जो प्रोलीफरेशन हो रहा है इसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका ये जो है फर्स्ट साइटोकाइनिन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम डिग्रेडेड ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए बाय मिलर इन 1955। उसके बाद जो है पहला जो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हुई है, एक्चुअली ये केमिकल जो था आपने देखा इसके स्ट्रैक्ट में जो इसके ग्रोथ को पॉलीफरेट कर रहा था, वो भी आपका एक्चुअली साइटोकाइनिन नहीं था, लेकिन जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है आपको मिलर को जाता है। ये जहाँ पे उन्होंने इसका डिस्कवरी कहाँ से किया था, डिग्रेडेड ऑटोक्लेव्ड हेरिंग के स्पर्म के डीएनए से। ये इसको हम जो है साइटोकाइनिन, इसको काइनेटिन भी कहते हैं, और इसका केमिकल नेम क्या है, 6-फर्फ्यूरिल एमिनो प्यूरिन।
और ये जो है मोस्टली आपको नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये एक सिंथेटिक हार्मोन है जो आपका काइनेटिन है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो आपका ऑप्टेन हुआ था अनराइप मेज के ग्रेन से, इसे आप कर्नस बोलते हैं। लेथम ने डिस्कवर्ड किया था 1964 में। ओके, इसको हम जिएटिन भी बोलते हैं। केमिकल नेम इसका क्या है? 6-हाइड्रोक्सी 3-मिथिल ट्रांस 2-ब्यूटेनिन एमिनोप्यूरिन। तो ये सब जो यहाँ पे बताया जा रहा है ये क्विक नोट्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब वहाँ पे पूछे भी गए हैं। तो प्लांट हार्मोन्स पे आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इट आल्सो अगर इन कोकोनट मिल्क, ये कोकोनट मिल्क में भी पाया जाता है। और 18 अभी तक के जो साइटोकाइनेसिस है उसका टाइप की डिस्कवरी हो चुकी है। और अगर साइटोकाइनेसिस का मेजर सोर्स की बात करें तो रूट्स को ही माना जाता है। फ्रॉम रूट्स साइटोकाइनिन पास्ड अपवर्डली थ्रू जाइलम। उसके बाद जो आपका सिंथेसिस के बाद साइटोकाइनिन है ये जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है। ओके, सम साइटोकाइनिन सिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर एरियाज ऑफ वेयर सेल डिवीजन आर अकरिंग। कुछ रूट के अलावा और जो एरियाज है जहाँ पे साइटोकाइन का सिंथेसिस होता है वो कौन कौन सा है? आपका सीड का, एंडोस्पर्म का जो रीजन हुआ, या ग्रोइंग एम्ब्रियोज हो गए, या जो डेवलपिंग सीड्स हो गए, आपका यंग फ्रूट्स में भी होता है, डेवलपिंग शूट बर्ड में एक्सेट्रा। आप जो कोकोनट मिल्क है वो आपका रिच सोर्स है साइटोकाइन का, वहाँ पे साइटोकाइन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बायोसे की बात करें, कैसे आप इसका ऐसे करेंगे कि साइटोकाइन है वहाँ पे या उसका अपना इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं, तो तीन है यहाँ पे। टोबैको का पिथ कल्चर जो मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी, ठीक है, जो टोबैको का टिश्यू लिया था उन्होंने, आउट ऑफ टू टोबैको पिथ कल्चर, पिथ का कल्चर कराया गया था, एक में सप्लाई किया गया साइटोकाइन का, दूसरे में नहीं किया गया, तो फ्रेश वेट में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन स्टिमुलेट हो जाती है और ये शो करता है कि साइटोकाइन की एक्टिविटी हो रही है। तो ये इसे बायो इसे हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस। अगर लीफ जो है लीफ डिस्क लिया गया अलग अलग दो लॉट्स में और फिर एक में साइटोकाइन प्रोवाइड किया कराया गया और 48 से 72 घंटे बाद देखा गया कि क्लोरोफिल का कंटेंट जिसमें ज़्यादा है, इसका मतलब वो लीफ सेनेसेंस नहीं कर रही। तो एक ये भी होता है आपका साइटोकाइन का बायो से। थर्ड पे आते हैं एक्साइड रेडिश कॉटिलिडन एक्सपेंशन। रेडिश का जो कॉटिलिडन है उसका एक्सपेंशन भी देखा गया है, ये टेस्ट डेवलप किया गया था लिथम के द्वारा। उन्होंने क्या किया, रेडिश का कॉटिलिडन लिया और फिर एक टेस्ट सॉल्यूशन में डाला और एक ऑर्डिनरी वाटर में डाला, फिर वहाँ पे जिसमें आपको कॉटिलिडन का इनराजमेंट देखने को मिलता है वो ये शो करता है कि वहाँ पे साइटोकाइन का एक्टिविटी हो रहा है। ये तो ओवरऑल हो गया बायो से, थोड़ा सा हिस्ट्री आपका। अब आते हैं फंक्शंस पे, फंक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस आपको जानना चाहिए। फंक्शंस से ही आप एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन्स का जो वो है एक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। तो सेल डिवीजन सबसे पहले आसान है, साइटोकाइन नाम है तो ये सेल डिवीजन जो है कॉज करता ही है। अगर ये आपको साइटोकाइन ऑक्सीजन के साथ में दिया जाता है तो जो परमानेंट सेल्स होते हैं, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, उनमें भी जो होता है साइटोकाइनेसिस होने लगती है। सेल डिवीजन इन कैलस जैसे ऑर्गेनाइज या अनडिफरेंशिएटेड इरेगुलर मास होता है, आप टिश्यू कल्चर में पढ़ा होगा। सेल डिवीजन कैलसिस फाउंड टू रिक्वायर बोथ हार्मोन, और वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा सेल डिवीजन हो गया। दूसरा आते हैं सेल एलोंगेशन पे। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन की तरह साइटोकाइनिन भी जो होता है सेल एलोंगेशन कॉज करता है। मॉर्फोजेनेसिस पे आते हैं। बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन आर एसेंशियल फॉर मॉर्फोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए भी जो होता है ज़रूरी होता है, मीन्स रूट कब निकल रहा है, शूट कब निकल रहा है, दोनों रूट और शूट कब निकल रहा है। तो जैसे है यहाँ पे बर्ड्स डेवलपमेंट साइटोकाइन ऑन एक्सेस, एक्सेस जब होता है साइटोकाइन का तो बर्ड्स डेवलप होते हैं। वाइल रूट्स आर फाउंड व्हेन द देयर रेशियोज आर रिवर्स। अगर ये आप रेशियो को अलग कर दीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन और साइटोकाइन के, साइटोकाइन जब ज़्यादा रहेगा तो आपका बर्ड्स इनिशिएट होगा और जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तब आपका क्या होगा, रूट्स वो होगा। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपके, जैसे हाई साइटोकाइन और अगर ऑक्सीजन का रेशियो रहता है तो शूट का वो होता है, ग्रोथ होता है। मतलब साइटोकाइन टू ऑक्सीजन रेशियो का क्या मतलब हो गया, साइटोकाइनिन आपने दो कर दिया और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन रेशियो वन रखा, 2:1 का रेशियो रखा तो ऊपर ज़्यादा है, तो ये हाई साइटोकाइन जो आपका रेशियो आएगा ओवरऑल, अगर दो को आप एक से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा रेशियो आएगा
इसका मतलब वहाँ पे साइटोकाइन ज़्यादा है और ऑक्सिन कम है, ऐसे में शूट का डेवलपमेंट होता है। अगर लो साइटोकाइन रहे और ऑक्सिन ज़्यादा रहे तो रूट का डेवलपमेंट होता है। इंटरमीडिएट आपने साइटोकाइन रखा है और ऑक्सिन का रेशियो दोनों इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आपको दोनों का उसमें इनिशिएशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपने इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन रखा है वहीं और ऑक्सिन लो है तो कैलस का फॉर्मेशन होता है, तो ये मॉर्फोजेनेसिस में आता है। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात कर लें तो जो आपका साइटोकाइनिन है ये न्यू लीव्स का इंड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट का इंडक्शन करता है, सेंसिस में हेल्प करता है, लीव्स में लैटरल शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और वो जो लिग्निफिकेशन है उसमें भी हेल्प करता है, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपका बनता है उसमें भी ये हेल्प करता है। सेनेसेंस अगर बोले तो यहाँ पर रिचमेंट लैंग इफेक्ट है आपका। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेनेसेंस करता है, जो लीव्स का डीले करता है एक्चुअली लीव्स के सेनेसेंस में, और जो भी और भी और ऑर्गन्स हैं आपके वहाँ पे भी ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करता है। तो एक ये हो गया रिचमेंट लैग इफेक्ट हो गया। एपिकल डोमिनेंस की बात कर ले तो साइटोकाइनिन के प्रेजेंस में जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिपेंशियल मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स टूवर्ड इट, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन होता है। अगर आप जैसे लैटरल बर्ड्स पे इसको अप्लाई करते हैं तो जो उसका ग्रोथ है उसका मतलब जो बर्ड्स हैं उसका ग्रोथ में ये हेल्प करता है। दस दे एक्ट एंटागोनिस्टली टू ऑक्सिन विच प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। तो ये आपने देखा लैटरल जो बर्ड्स हैं उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ये फिर क्या हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया ऑक्सिन का, जो एक्चुअली एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। सी डोरमेंसी की बात कर लें, जैसे जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स की तरह जो आपका साइटोकाइनिन है ये भी सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक। फिर आते हैं रेसिस्टेंट पे, साइटोकाइनिन जो है हाई और लो टेम्परेचर और डिजीज से रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है, ये साल्ट के एक्यूमुलेशन में भी हेल्प करता है, फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, ये कुछ केसेस में सेक्स का एक्सप्रेशन में भी करता है, जैसे कि ऑक्सिन और एथाइलिन हैं, अभी आप एथाइलिन आगे पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन जो होता है वो भी फीमेलनेस को प्रमोट करता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी की बात कर लें तो क्रेन ने 1965 में रिपोर्ट किया था कि ये जो हार्मोन है आपका पार्थेनोकार्पी को भी इंडक्शन करता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में इसका बड़ा रोल है, ठीक है। साइटोकाइनिन का यूज़ की बात कर लें तो टिश्यू कल्चर में बहुत साइटोकाइनिन का यूज़ होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो एसेंशियल रोल है टिश्यू कल्चर में सेल डिवीज़न के अलावा वो मॉर्फोजेनेसिस का है, जैसे आपने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एडिशन ऑफ साइटोकाइनिन द लेटर में बी प्रोवाइडेड टू टिश्यू कल्चर थ्रू द एडिशन ऑफ क्रोकोमेल कॉरीज, या तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं साइटोकाइनिन को, या आप या कोकोनट मिल्क या आइस एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो उसमें भी जैसा कि साइटोकाइनिन पाया जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट मीडियम की तरीके से काम करता है। शेल्फ लाइफ भी ये बढ़ाते हैं, अगर आप मार्केटेड जो वेजिटेबल्स हैं उसको फ्रेश रखना है बहुत दिनों तक तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं साइटोकाइनिन। रेसिस्टेंट की बात करें तो साइटोकाइनिन जो होता है ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है पैथोजन से भी या टेम्परेचर से भी, सेनेसेंस से ये ओवरकम करता है, मतलब सेनेसेंस को ये डीले करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो BHU में पूछे गए थे, इस पे केमिकल नेम क्या है काइनेटिन का, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये इसका केमिकल नाम क्या है काइनेटिन का, 6-फर्फ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट ये भी 2 बार पूछा गया है BHU में कि क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट किससे प्रमोट होता है, तो आपने देखा कि बायो इससे जो होता है उसमें भी देखा आपने क्लोरोप्लास्ट ये डेवलपमेंट कर रहा था, और सेकंड में आपको फंक्शन में इसको तो बताया ही आपके, ठीक है, कि ये क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या क्या कॉज करता है, सेल डिवीजन कॉज करता है, एक्सपेंशन ऑफ कोटिलेडंस एंड लीव्स कॉज करता है, या डीले इन सेनेसेंस, या ऑल ऑफ द अबो। तो आपने देखा अभी इसके वो एप्लीकेशंस में कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन तो कॉज करता ही है, साथ में रेडिस का जो कोटिलेडन था उसका एक्सपेंशन भी वो कर रहा था, सेनेसेंस भी डीले कर रहा था, तो सभी ये सारे फंक्शंस जो हैं ये साइटोकाइनिन से रिलेटेड हैं, इसीलिए ऑल द अबव होंगे आपके, ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट हार्मोन जो कि है आपका एबिसेसिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ABA भी बोलते हैं, और कॉमनली ये स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इस पे नोट्स देखते हैं हम, एबिसेसिक एसिड इज रिफर टू एज स्ट्रेस हार्मोन। सबसे पहले आप ध्यान दे लीजिए कि जो एबिसेसिक एसिड है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है उसको जो
रिस्पॉन्सेज हैं उसके अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशन में, वहाँ पे आपको हेल्प करता है, ठीक है, ताकि ये स्ट्रेस को कोप अप कर सके। इट फैसिलिटेट द सीड डॉर्मेंसी। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेस आता है तो आप क्या, अगर प्लांट वहाँ पे ग्रो कर, जैसे सीड है, अगर स्ट्रेस कंडीशन आया वहाँ पे ग्रो करने लगा तो क्या होगा, कुछ दिन बाद सीड डेवलप नहीं होगा, ठीक है, वो उससे नया पौधा नहीं बनेगा। तो ये क्या कराता है, ये सीड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है, मतलब सीड नीचे गिरा है तो उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। तो यहाँ पे ये सीड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, इसके स्ट्रेस हार्मोन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेस का कंडीशन रहेगा तब ये हार्मोन वहाँ पे आके प्लांट को बचाता है। ऐसा फंक्शन में ये हेल्प करता है जहाँ पे प्लांट जो स्ट्रेस कंडीशन है उसको ओवरकम कर ले। तो सीड डॉर्मेंसी, अगर सीड जो है डॉर्मेंट होंगे तब जब फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा तब प्लांट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और सीड जर्मिनेशन तो वो मतलब इंश्योर करता है कि फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में ही सीड का ग्रोथ हो। इट आल्सो कॉजेस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब भी स्टोमेटा भी क्लोज करता है, आपको पता है स्टोमेटा जो होते हैं पोर्स होते हैं, वहाँ से वाटर वगैरह वो होते हैं, तो वाटर स्ट्रेस अगर है तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है, तो इससे वाटर लॉस नहीं होता है। तो ये सारे स्ट्रेस हैं इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। दे आर आल्सो क्रिटिकल इन विदस्टैंडिंग डेसिकेशन। डेसिकेशन अगर है, सूखा है, तो उसमें भी ये प्लांट को हेल्प करता है। फर्दर मोर दे आल्सो असिस्ट टू इंड्यूस डॉर्मे इन प्लांट्स टूवर्ड द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। और ये जो प्लांट का कोई सीजन वो खत्म होता है तो वहां पे ये डॉर्मेंसी में हेल्प करते हैं। फ्रूट जो है उनको गिराने में हेल्प करते हैं, एब्सेसिंग कॉज करके लीव्स भी गिराते हैं, फ्लावर्स भी ये गिराते हैं, ओके। अब 1955 में आप देखेंगे तो ऑब्जॉन थे जिन्होंने ये पाया कि जो सेनेसेंट लीव्स हैं जो गिर रहे हैं वहाँ पे, लीव्स गिर रहे हैं वहाँ पे एक डिफ्यूजल एब्सिशन एक्सेलरेटिंग सब्सटेंस होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट है इंडोलेस्टिक एसिड है जिसको आप ऑक्सिन बोलते हैं या जो भी अदर नॉन ग्रोथ सब्सटेंसेस से, वो उससे काफ़ी अलग था सेनेसेंसिक लीव में जो केमिकल पाया गया। तो एब्सिसिक एसिड वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड कैरेक्टराइज केमिकली इन 1962 बाई फ्रेडरिक डी एडिकॉट एंड हिज कोवर्कर्स। तो एब्सिसिक एसिड को फर्स्टली आइडेंटिफाई किया गया इनके द्वारा 1963 में, जब उन्होंने सेवरल एब्सिसिक एक्सेलरेटिंग सब्सटेंसेस जो है कॉटन प्लांट से उन्होंने लिया, जहाँ पे उन्होंने उनका नाम क्या रखा था, एब्सिसिन फर्स्ट एंड एब्सिसिन सेकेंड। वेरिंग एंड हिज एसोसिएट्स, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने जो है उनके स्टडीज के दौरान ये पाया कि बर्ड डॉर्मेंसी जो है वुडी प्लांट्स में और आइसोलेटेड वुडी प्लांट्स के जो डॉर्मेंसी है, बर्ड डॉर्मेंसी है, उसमें से एक सब्सटेंस आइसोलेट किया। एक्चुअली ये प्लांट था आपका एसर स्यूडो प्लांटेनस, वहाँ पे एक केमिकल उन्होंने आइसोलेट किया जिसका उन्होंने नाम क्या रखा, डॉर्मिन। अब कुछ और ग्रुप थे इन्वेस्टिगेटर्स के जिन्होंने आइसोलेट किया कुछ सब्सटेंस को लुपिन से, फ्रॉम लुपिन्स दैट वर इन्वॉल्व इन द एब्सिशन ऑफ फ्रूट पॉट्स। यहाँ पे वो फ्रूट पॉट के एब्सेसन से रिलेटेड थे। आफ्टर इट बिकेम एविडेंट इन 1964 दैट डॉर्मिन एंड लिपिन कंपाउंड वर आइडेंटिकल टू एब्सेसन। और बाद में ये जो डिस्कवरी हुई लिपिन्स का भी, उसके बाद और आगे की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ये पाया गया जो लुपिन है आपका केमिकल वो एब्सेसन सेकेंड से रिलेटेड है, डॉर्मिन भी जो आपका इन्होंने बताया था वायरिंग और हिज कोवर्कर ने, ये भी एब्सेसन सेकेंड से रिलेटेड है। और 1967 में ये एग्री सारे लोग हो गए कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, आपका एब्सिसिक एसिड है। केमिस्ट्री की बात कर लें तो इसका इम्पोर्टेंट है, ये जो होता है ये आपका 15 कार्बन सिस्क्यूटर्पिनॉइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होता है या जो अदर टाइप के प्लास्टिक है उसमें, कौन से पाथवे से, मेलोनिक एसिड पाथवे थे पाथवे से। अगर आप सिस्क्यूटर्पिनॉइड्स के बारे में नहीं जानते, जब आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ेंगे उसमें आइसोप्रीन यूनिट्स होता है, एक आइसोप्रीन यूनिट जो होता है वो 5 कार्बन का बना होता है, ठीक। और जब 2 आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं तो 10 कार्बन हो जाते हैं तो उसको टर्पिनॉइड बोलते हैं, और सिस्क्यूटर्पिनॉइड का बोलते हैं जब 3 आइसोप्रीनॉइड यूनिट हो, मतलब उसमें 15 कार्बन हुआ। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट में जो केमिकल बनते हैं वो टर्पीन के होते हैं, उसमें से 15 कार्बन का हुआ सिस्क्यूटर्पिनॉइड, उससे आपका ये क्या बनता है, आपका एब्सिसिक एसिड। देर इज सम एविडेंसेस दैट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ एबीएन क्लोरोप्लास्ट कैन अराइज फ्रॉम फोटोकेमिकल और एंजाइमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज़ैंथोफिल कैनेराइड कॉल्ड वायरोक्सांथिन। कुछ में एविडेंसेस ये भी हैं कि वायरोक्सांथिन से भी कुछ अमाउंट में आपको एब्सिसिक एसिड मिलता है। एक खास बात ये है कि 260 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट पे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और वहीं 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लाइट पे ये लिवो रोटेटरी इफेक्ट शो करते हैं जिसको कॉटन इफेक्ट बोला जाता है।
ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर लें एबीए का, तो आराम से इसका ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम में, कुछ पैरेन्काइमासिस भी होता है वैस्कुलर बंडल के आउटसाइड। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स अगर हम इसकी बात करें एब्सेसिक एसिड का, तो पहला आपका हो गया सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी। एब्सेसिक एसिड जो होता है इंड्यूस करता है आपको डॉर्मेंसी बर्ड्स में टूवर्ड द अप्रोच ऑफ विंटर, ठीक है। एब्सेसिक एसिड अक्यूमुलेट्स होता है बहुत सारे सीड्स में ड्यूरिंग मैचुरेशन एंड अपेरेंटली कंट्रीब्यूट टू द सीड डॉर्मेंसी। तो टोटल सीड और बर्ड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है, पता है जो भी सारे स्ट्रेस हैं सिनेसेंस कॉज कराता है ये, थिन मैन ने बताया था। सिनेसेंस कब होगा, जब स्ट्रेस होगा तो उस समय पे द ऑनसेट ऑफ सेनेसेंस इज कोरिलेटेड विद द स्टोमेटल क्लोजर, वहाँ पे साथ ही साथ स्टोमेटल क्लोजर भी होता है। एबीए कंटेंट जो है एजिंग लीज में इंक्रीज होता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है सेनेसेंस इनिशिएटेड होता है। फ्लावरिंग में भी ये वो करता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में आप देखेंगे कि से जिब्रेलिन्स है और उसका ये काउंटर अटैक्ट होता करता है एबीए, जहाँ पे ये एक्यूमुलेट होता है लीज में ड्यूरिंग शॉर्ट विंटर डे। शॉर्ट विंटर डेज में एबीए क्या करता है, इनहिबिटर होता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग इनहिबिट करता है, ऑन द अदर हैंड एबीए क्या करता है इंड्यूस करता है फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट्स में, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स में मतलब जो जल्दी से फ्लावरिंग करके, क्योंकि वहाँ पे भी स्ट्रेस है। शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब है जो स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उनमें फ्लावरिंग जल्दी से कराता है, एंड जो लॉन्ग डेज प्लांट होते हैं उनमें ये इनहिबिटर की तरीके से काम करता है। स्टार्च हाइड्रोलिसिस भी ये करता है। आप देखेंगे जैसे जिब्रेलिन जो एक्चुअली स्टार्च का हाइड्रोलिसिस नहीं होने देता है, जिब्रेलिक एसिड में आपने देखा था वो क्या करता है अल्फा एमाइलेज का इंड्यूस करता है सीड में, जहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनते हैं एल्यूरॉन सेल से, वो या एब्सेसिक एसिड उसको भी इनहिबिट कर देता है ताकि कि डॉर्मेंसी बना रहे, सीड ग्रोथ ना हो पाए। स्टोमेटल क्लोजर तो आपको बताया है कि ये जो होता है स्टोमेटा क्लोज करता है, वहाँ पे एटीपीएज एक्टिविटी होती है प्रोटॉन पंप की, ठीक है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट की तरीके से काज करता है, और ये फेमिनाइजेशन भी इंड्यूस करता है, मतलब फीमेल फ्लावर को ये इंड्यूस करता है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। ओके, सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।